देखो कॉन्फॉर्मर्स और ये आज हम लोग फाइनल करेंगे, इसमें कुछ बचेगा तो हम आगे आके दे देख लेंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट अगर बचा कंसेप्चुअली क्वेश्चंस, वो हम आगे आ जाके कर लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, आप लोगों को कंसेप्ट समझ लेंगे। लिखो कॉन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मर्स लिख लिया। अब इसमें कॉन्फॉर्मर्स एक्चुअली में होते क्या है, होते क्या है कॉन्फॉर्मर्स बताओ। हाँ, ये भी एक टाइप का स्टीरियो आइसोमर है, तो लिख लो इसमें, इट इज़ अ टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमर, इट इज़ अ टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमर, इट इज़ अ टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमर, इट इज़ अ टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। ये एक टाइप का कौन सा आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है। यह आपका कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर नहीं है, यह आपका कौन सा आइसोमर नहीं है, कॉन्फिग्रेशनल नहीं है। ये कौन सा है, कॉन्फॉर्मर्स, स्टीरियो आइसोमर में कॉन्फॉर्मर्स टाइप का। तो लिखो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर, और कहीं है ना ब्रैकेट में साइड में लिख लो आपका कन्फॉर्मर्स नहीं, आपका कॉन्फिग्रेशनल नहीं है, लिख लो कहीं साइड में, यहाँ पर आपका कॉन्फिग्रेशनल नहीं है, ठीक है। अब इतने टाइप में हम लोग है ना सी स्टार में रोटेशन देखते थे, हम लोगों ने यहाँ पर सुनो ना, यहाँ पर ऑप्टिकल में हमने कॉन्फ़िगरेशन में सी स्टार में हमने देखा, हाँ या ना, सी स्टार देखा था, एक ही कार्बन पे चारों वैलेंसी देखते थे, एक ही कार्बन पे चारों वैलेंसी देखते थे। लेकिन अब हम ज्योमेट्रिकल में क्या करते थे, रोटेशन हिंडर्ड देखते थे, लेकिन यहाँ पर रोटेशन हिंडर्ड नहीं होते, यहाँ पर रोटेशन हिंडर्ड आपके नहीं होते, बात समझ में आया। तो यहाँ पर कौन से बॉन्ड के अराउंड होता है बेटा आपका कॉन्फॉर्मर्स, रोटेशन फ्री बॉन्डेड के अराउंड, तो कौन से बॉन्डेड के वो अराउंड होगा बेटा, जिसमें रोटेशन फ्री होगा उस बॉन्ड के अराउंड आपका क्या होगा बेटा आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हम लोग, लिखना चालू करो, लिखो सबसे पहले लिखो, इसमें बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो देना, ठीक है। लिखो, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, दोज स्टीरियो आइसोमर whose interconversion doesn't require cleavage of bond, मतलब किसी भी आपके बॉन्ड का क्लीव नहीं होगा, ठीक है। doesn't require क्या बेटा, जल्दी बोलो, cleavage of bond मतलब किसी भी टाइप के बॉन्ड को आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, किसी भी टाइप के बॉन्ड को आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा। क्लीवलेज ऑफ बॉन्ड मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में घुमाने के लिए बॉन्ड तो टूटता था ना, बॉन्ड टूटता था तभी ग्रुप आपका ऊपर जाता था नीचे आता था, समझ में आया। तो यहाँ पर आपके किसी भी टाइप के बॉन्ड को आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा। क्लीवलेज ऑफ एनी बॉन्ड आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। क्लियर हुआ। अब देखो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर आपका किसके बीच होगा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर अकर अराउंड अ बॉन्ड अबाउट विच रोटेशन फ्री, ठीक है। तो लिख लो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, इसमें समझना है सिंपल ही, अब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर अकर अबाउट विच रोटेशन इज फ्री या फिर फ्री
फ्री फॉर सम एक्सटेंट या फिर सम एक्सटेंट तक फ्री हो, मतलब ये किसके बीच होगा, जहाँ पर रोटेशन फ्री बॉन्ड होगा, और रोटेशन फ्री बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। रोटेशन फ्री बॉन्ड कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड। तो ये जनरली किस में देखने को मिलेगा बेटा आपको, बोलो एल्केन, एल्केन और साइक्लो एल्केन में, ठीक है। जनरली आपको किस में देखने को मिलेगा, एल्केन और साइक्लो एल्केन में, बात क्लियर है। अब देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड, यहाँ पर कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं बेटा, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक कौन सा होता है बेटा आपका, जल्दी बोलो, मैंने लिखवाया था, कौन सा होगा, एक आपका रोटेशन या फिर रेस्ट्रिक्टेड बोलो या फिर हिंडर्ड बोलो, बात क्लियर है। और एक कौन सा होगा बेटा आपका, बोलो, रोटेशन फ्री बॉन्ड होगा, ठीक है, बात क्लियर है। एक आपका कौन सा होगा बच्चों, बोलो, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, और एक कौन सा होगा, रोटेशन फ्री। अब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड कौन सा होगा बेटा, जल्दी बताओ, डबल बॉन्ड या फिर कौन सा होगा, डबल बॉन्ड या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर पार्शियली डबल बॉन्ड भी ऑल्सो कंसिडर इन रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, समझ में आ गया। साइक्लो को भी रिस्ट्रिक्टेड करते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो क्या होता है, साइक्लो एल्केन तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है ना, मैंने बताया था ना, लेकिन वो कुछ हद तक क्या होता है, उसमें रोटेशन फ्री भी होता है कुछ हद तक होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है, मैं उसके बारे में तुमको बताऊँगा, ठीक है। कुछ हद तक मतलब उसको कितना रोटेट कर सकते, एक लेवल के बाद टूटेगा ना वो, साइक्लो एल्केन को रोटेट करूँगा तो एक लेवल के बाद वो आपका ब्रेक होगा, पहले तो नहीं होगा, समझ में आ गया। यहाँ पर आपका क्या है बेटा, रोटेशन फ्री, तो उसमें कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा आपका, सिंगल बॉन्ड आएगा। कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा यहाँ पर आपका, सिंगल बॉन्ड। ये तो इसके एग्जांपल थे, ये इसके क्या है बेटा आपके, एग्जांपल लिखो इसको, ये तो हो गए इसके एग्जांपल, समझ में आ गया। देखो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड में, और है ना यहाँ पर क्या होगा कि समझना बेटा, यहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड समझ में आ गया, और रोटेशन फ्री आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो रोटेशन फ्री बॉन्ड में, समझना, रोटेशन फ्री बॉन्ड में हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमको क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर रोटेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर रोटेशन, जो कि क्या होगा, ईजिली अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, ईजिली अवेलेबल होगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होगा। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन, अगर मैं इसको रोटेशन कराना होगा तो रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो अलग और सही अलग, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो चाहिए वो भी अलग। क्या ये मुझको रूम टेम्परेचर पे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अब ये मुझको रूम टेम्परेचर पे इजीली अवेलेबल नहीं होगा, मतलब इजीली नॉट अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। अब समझो, क्या आप ना जीआई में सीसो ट्रांस बनाओगे तो क्या वो रूम टेम्परेचर पे बनेंगे, रूम टेम्परेचर पे जीआई कितने अवेलेबल होंगे, रूम टेम्परेचर पे तुम्हारे पास सीस है तो क्या उसको ट्रांस बना सकते हो रूम टेम्परेचर पे, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, रोटेशन। समझ में आ गया आप तुम्हें, अब तुम्हें समझ में आ गया, डीके सिंह लायो निकालो, तो
इसमें रूम टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है, 222 223 कर लेना, ठीक है ना, 222 223। ठीक है, तुम लोगों ने किया भी होगा फिर भी कर लेना, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर किसके लिए बताना है समझ में आ गया, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड को बता रहा है, ठीक है ना, किसको बता रहा है वो आपके रूम टेम्परेचर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड को, समझ में आ रहा है, कौन सा आपके रूम टेम्परेचर पे आपको कर सकता है। तो यहाँ पर केवल और केवल रूम टेम्परेचर पे साइक्लोएल्केन ही, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो लिख लिया। उसके बाद लिखो यहाँ पर उसके बाद लिख लो तुम लोग जल्दी जल्दी। अब लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फॉर्मर्स, अब लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फॉर्मर्स, समझना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मर्स का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, समझना, इधर बातों को ध्यान से समझना बेटा। मैंने एक कॉन्फॉर्मर्स बनाया आपका, कौन सा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेरा फ्रंट कार्बन है और ये मेरा कौन सा कार्बन है, रेयर कार्बन, कल बताया था कुछ, ये तुम्हें अब इजी जाएगा, ठीक है। फ्रंट कार्बन कैसे बनाएंगे, बना दिया मैंने, क्या बनेगा, H, ठीक है, और मैं रेयर कार्बन बनाना चाहूँ, देखना चाहूँ तो क्या बनेगा, रेयर कार्बन कौन सा हो जाएगा बेटा, H, ये पहला एग्जांपल है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा अगर मैं बनाना चाहूँ तो कौन सा बनेगा, जल्दी बोलो, दूसरा मैं अगर बनाना चाहूँ, मैं अगर CH3 CH2 CH3 का बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, इसमें दो केस हो सकते हैं, एक बार इसको फ्रंट माना, एक बार इसको रेयर माना, और एक बार क्या होगा, इसको फ्रंट माना और इसको रेयर माना, इसको फोर कार्बन, इसको बैक कार्बन, मतलब ऐसा भी हो सकता है, तो क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो बच्चा, जब मैंने फ्रंट इसको माना और रेयर इसको माना तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर CH3 H, और बैक में कौन कौन से जाएंगे बेटा, जल्दी बोलो, H और H, समझ में आ गया तुम लोगों को, अब क्लियर हुआ कंसेप्ट, ये तुम्हारा हो गया एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्या टफ लग रहा है, इसका दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है बेटा, जल्दी बोलो, सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, इसको मैं फोर कार्बन मान लूँ, इसको मैं रेयर कार्बन मान लूँ, तो बोलो कि क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, सारे एज आपके आगे आ जाएंगे और पीछे क्या बचेगा बेटा आपका, जल्दी बोलो, CH3 और H और H, क्लियर हो गया कंसेप्ट आप लोगों को, अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो भी बता दो मुझे, क्लियर हो गया कंसेप्ट आप लोगों को, समझ में आया। अगर मैं एक और एग्जांपल बोलना चाहूँ तो देखो बेटा, एक और एग्जांपल यहाँ पर, एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2 CH3, इसके बनाने चाहते हैं, बनाएंगे इसके, देखो एक बार मैंने फोर कार्बन किसको मान लिया, इसको मैंने फोर कार्बन मान लिया, इसको मैंने रेयर कार्बन मान लिया, तो बताओ क्या बनेगा, जल्दी बोलो, H, इसको मैंने क्या मान लिया, H, और नीचे क्या लिखेंगे, CH2 CH3, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। नेक्स्ट बोलो, अगर मैंने इसको फोर कार्बन मान लिया, इसको मैंने बैक कार्बन मान लिया, तो क्या बनेगा बेटा, जल्दी बोलो, ऊपर CH3 नीचे H, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H CH3, अंडरस्टूड, पॉइंट समझ में आ गया। अगर मैंने एक और बन सकता है इसमें कंडीशन, कौन सा बनेगा, इसको मैं फ्रंट मान लूँ, इसको मैं रेयर मान लूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए था, ये सेकंड कंडीशन के लिए था, ये वाला आपका कौन से कंडीशन के लिए था बेटा, थर्ड कंडीशन के लिए, समझ में आया।
अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं, एक और जल्दी से, यहाँ पर क्या होगा सी एच सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच और यहाँ पर एच। अंडरस्टूड है पॉइंट? तो तीन तीन पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? लिखो जल्दी से इसको, फिर एक दो एग्जांपल और मैं कराता हूँ। देखो क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या इसके अराउंड रोटेशन फ्री है, क्या इसके अराउंड रोटेशन फ्री है, इसके अराउंड रोटेशन फ्री है, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, इसके अराउंड भी रोटेशन फ्री है, इसके अराउंड भी रोटेशन फ्री है, इसके अराउंड भी रोटेशन फ्री है, तो मैं बना रहा हूँ ना कन्फॉर्मर्स। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, कन्फॉर्मर्स के बाद मैं बहुत सारी बातें भी बताऊँगा, तुम लोग जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी लिखो। देखो और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कौन सा एग्जांपल देखना चाहोगे बेटा जल्दी बोलो। एक देख लेते हैं सी एच थ्री, सी एच थ्री और यहाँ पर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसका कन्फॉर्मर्स बनाओ, कैसे बनाओगे बेटा जल्दी बोलो इसका कन्फॉर्मर्स। यहाँ पर रोटेशन, यहाँ पर रोटेशन क्या है, फ्री है ना, ये वाला sp2 वो तो चलेगा, एक कार्बन आपका कम से कम एक कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, कम से कम एक कार्बन क्या होना चाहिए आपका, sp3, तो बनाओ जी जल्दी से इसका। ये मैंने बनाया इधर फोर कार्बन, ये मैंने क्या बनाया इधर बेटा फोर कार्बन, ये मैंने यहाँ पर क्या बनाया बेटा जल्दी बोलो फोर कार्बन, ये मैंने यहाँ पर फोर कार्बन बना दिया। अब मुझे रेयर कार्बन बनाना है, तो रेयर कार्बन में क्या है कि केवल और केवल कितने बॉन्ड है, दो ही जा रहे हैं ना, तो एक डबल बॉन्ड ओ बना दिया इधर और एक यहाँ पर क्या बना दिया एच। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कैसे बना रहा हूँ मैं, पक्का नहीं हुआ, हुआ? अगला एग्जांपल देख लेते हैं एक और थोड़ा सा। सी एच थ्री सी ओ ओ एच, अब बोलो क्या होगा एक, अब बताओ किसके बीच बनाओगे, एक बार इसको फोर, एक बार इसको रेयर, ठीक है, एक बार इसको फोर, एक बार इसको रेयर। अब देखो ना यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसके बीच, दो लोन पेयर है ना, तो तीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए ना पीछे, समझ में आ गया कुछ? तो एक बार इसको फोर और रेयर बनाएंगे तो क्या बनेंगे बेटा जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जी जल्दी से। यहाँ पर क्या है रोटेशन फ्री है, यहाँ पर भी क्या है बेटा आपका रोटेशन फ्री है, तो ये हो गया आपका फोर कार्बन एच एच एच, और पीछे वाले में क्या होगा बेटा जल्दी बोलो, डबल बॉन्ड ओ और नीचे क्या हो जाएगा ओ एच। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को फोर और रेयर मान लूँगा तो ऊपर क्या आया, आगे क्या आ जाएगा बेटा डबल, और पीछे क्या होगा ऑक्सीजन, पीछे कौन सा एटम होगा, तो बैक एटम इज ऑक्सीजन एटम, लिख देता हूँ बैक एटम इज ऑक्सीजन एटम, बात क्लियर है? यहाँ पर मैंने एरो मार के लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर फोर और रेयर के लिए नहीं। अब बोलो क्या होगा, एक आपका कौन सा होगा बेटा सी एच थ्री, और एक कौन सा बॉन्ड होगा बेटा डबल बॉन्ड होगा, एक आपका क्या होगा डबल बॉन्ड ओ होगा, इसके अलावा कोई बॉन्ड, अब तो सी ओ बॉन्ड है ना जो कि कैसा है ऐसा है, सी ओ बॉन्ड कैसा है बेटा ऐसा है। अब यहाँ पर पीछे क्या होगा बेटा, पीछे आपके क्या होंगे बेटा लोन पेयर होंगे, लोन पेयर यानी होंगे लोन पेयर के लिए, एक लोन पेयर आपका कहाँ बना दूँ, यहाँ बना दिया, एक लोन पेयर मैंने यहाँ बना दिया और एक हाइड्रोजन, समझ में आ गया? इस तरीके से हम बना सकते हैं, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ में आ गया? क्लियर है, काफ़ी ईजी है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है, कन्फॉर्मर्स बनाना काफ़ी ईजी है और काफ़ी सिंपल है। हाँ, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नीचे वाला लिख लिया आप लोगों ने, नीचे वाला लिख लिया पूरा, लिखो लिखो दो मिनट।
अगला लिखो बेटा फटाफट फटाफट लिखो, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा बच्चों। ठीक है, आगे देख लेते बेटा। अब देखो, डाईहाइड्रल एंगल शुड बी प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल। ठीक है, कंडीशन क्या क्या हुआ कन्फॉर्मर्स का बोलो। ठीक है, लिखो कंडीशन ऑफ कन्फॉर्मर्स, लिखो फटाफट कंडीशन ऑफ कन्फॉर्मर्स। अब कन्फॉर्मर्स का क्या क्या कंडीशन होगा उसको देख लेते बेटा। लिखो पहले कंडीशन ऑफ कन्फॉर्मर्स। ठीक है, कंडीशन ऑफ कन्फॉर्मर्स, पहला कंडीशन क्या होगा, रोटेशन फ्री बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन, रोटेशन फ्री बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, रोटेशन फ्री बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, रोटेशन फ्री बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। रोटेशन फ्री बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, पहला कंडीशन तुम्हें समझ में आया, पक्का डन, क्लियर है कंसेप्ट। तो रोटेशन फ्री बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सेकंड कंडीशन क्या है, वन एटम इन अ मॉलिक्यूल शुड बी नॉन प्लेनर या फिर sp3। ठीक है, वन एटम या फिर वन मॉलिक्यूल, वन एटम या फिर वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी नॉन प्लेनर एंड अटैच विद द रोटेशन फ्री बॉन्डेड, एंड अटैच विद द रोटेशन फ्री बॉन्ड, एंड अटैच विद द रोटेशन फ्री बॉन्ड। और तीसरा क्या है बेटा कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या